पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरुण कांत कठेरिया ने पूर्व राज्यपाल पर जुबानी हमला किया। अरुण कांत कठेरिया ने कहा, राज्यपाल के बाद विधानसभा के चुनाव में उतरना अपमान से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को याद किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सैकड़ों की संख्या में फौजियों ने कठेरिया को समर्थन दिया। पूर्व राज्यपाल ग्रामीण बीजेपी प्रत्याशी का जगह जगह विरोध हो रहा है। कुछ सप्ताह पूर्व नौगांव में विकास कार्य न होने पर भाजपा को वोट न देने का ऐलान किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में धनौली दो महीने से धरना देने के बाद समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। धनौली पंचायत पर शिरौली रोड का धरना बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोग तो शायद रात में बहुत चैन की नींद सो जाते हैं, मगर अगर देखा जाए तो बॉर्डर पे चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे किसी प्रकार से भी कोई भी कष्ट आए, मगर हमारे जो सैनिक हैं, वीर योद्धा हैं, जो बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, यकीन मानिए कि वो एक सेना के अधिकारी नहीं, जवानी नहीं, आप ये समझ लीजिए ये बहुत बड़े तपस्वी हैं जो अपने घर का भी मुंह मौन नहीं देखते कई सब वर्षों तक। रही हो या गुजरात से पाइपलाइन लाके फिरोजाबाद और आगरा की इंडस्ट्री बचाने की काम किया हो, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार 30 साल में मेरे पिता का कार्यकाल रहा है, बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि और 30 साल के राजनीतिक जीवन में कोई उनके दामन पे दाग नहीं है। मैं इसी के साथ देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।